Dear student, today I am going to explain about addition and subtraction. बेटा मैं ये आपके क्लास 4 का चैप्टर 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ. आप ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6 आपका होमवर्क रहेगा और आप उसको रफ या फेयर कॉपी पे सॉल्व करोगे ताकि स्कूल रीओपन होने के बाद हम उसको चेक कर सके. नाउ लेट अस स्टार्ट. अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है. आपने अभी तक 2 डिजिट या 3 डिजिट का ऐड किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 5 डिजिट का ऐड है करना है. ठीक, तो 1 इसको वंस प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं, इसको 10000 प्लेस बोलते हैं. वंस प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है आपको? 7 2. टेंस प्लेस पे कौन कौन सा है? 6 1. 100 पे 3 5. 1000 पे 1 4. 10000 पे 4 2. अब इसको हम ऐड करेंगे. बेटा ये विदाउट कैरी वाला ऐड है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैरी वाला ऐड करना समझाऊंगा. तो 7 2 9, 6 1 7, 3 5 8, 1 4 5, 4 2 6. नेक्स्ट एग्जांपल बेटा उसी तरह है. आप देख लो, ये वंस प्लेस के डिजिट हैं, ये टेंस प्लेस के डिजिट हैं, ये 100 प्लेस के डिजिट हैं, ये 1000 प्लेस के डिजिट हैं और ये 10000 प्लेस के डिजिट हैं. तो यहाँ पे 4 सीक्वेंस दिया हुआ है, डिजिट का 4 सीक्वेंस है और उसको आपको ऐड करना है. तो वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं? 3 3 2 1. टेन प्लेस पे कौन कौन सा है? 4 0 0 4. 100 पे 2 4 1 1. 1000 पे 4 2 1. 10000 पे 1 and 3. अब इसको हम ऐड करेंगे तो 3 3 6, 6 2 8 8 1 9. 4 4 8 2 4 6 1 7 1 8. 4 2 7 1 7. 1 3 4. ये हमारा बेटा ऐड कंप्लीट हो गया. आप इसको ध्यान से देख सकते हो. बेटा ये थर्ड एग्जांपल है जो बिना कॉलम के है. देखा जाता है कि बिना कॉलम का अगर दे देता है एडिशन करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो आप रॉन्ग कर देते हो. तो बेटा ये भी एकदम आसान तरीका होता है. इसके लिए सबसे पहले आप कॉलम बनाओ. कॉलम बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर आप देख लो कौन सा है. तो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है. तो आप 6 डिजिट का कॉलम बना लोगे. तो आप राइट करना शुरू करोगे कहाँ से? वंस, टेन, 100 1000 10000 लाख. 1 2 3 4 5 6 हो गया. अब इसमें हम LHS साइड से फिलअप करना शुरू करेंगे. 4 4 7 7 5 5 3 3 2 2 1. इसमें है 5 डिजिट, इसको भी LHS साइड से राइट करना शुरू करेंगे. 2 2 1 1 3 3 3 3 6 6. इसमें 4 डिजिट है, इसको भी LHS साइड यानी वंस के प्लेस से राइट करना शुरू करेंगे. 3 0 0 2. अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो 4 2 6 3 9, 7 1 8 5 3 8 3 3 6 2 8, 6 2 8 1. बेटा ये कॉलम बना के अगर हम ऐड करेंगे जितने भी डिजिट का नंबर दिया हो, ठीक, और ऐसे दिया हो बिना कॉलम के, तो हम उसको पहले कॉलम बनाएंगे और कॉलम में सेट कर लेंगे ताकि हमारा एडिशन गलत ना हो. अब क्या करते हो? डायरेक्ट ऐड करना शुरू करते हो और वो रॉन्ग हो जाता है. तो आप क्या करो, थोड़ा सा वर्क करो, एक कॉलम बना लो, कॉलम बना के उसमें फिल करो और ऐड करो. आपका गलत नहीं होगा.